हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, उसमें कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, साइट्रस कैंसर कैंकर आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये गलत है, वायरस की जगह बैक्टीरिया आता है। फिर क्वेश्चन टू, आप ये ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये पहले टाइम अगर मतलब एक बार अगर पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा ये सही है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों गलत है। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड दैट इज कैरागिन एंड एल्गिन रिस्पेक्टिवली विच आर यूज कॉमर्शियली। मतलब ये ब्राउन एंड रेड एल्गी के एग्जाम्पल है कैरागिन एंड एल्गिन, और मैंने लिखा है रिस्पेक्टिवली। इन तीनों पे मैंने लाल पेन से पॉइंट किया है क्योंकि पहले उन्होंने बोला है ब्राउन एल्गी जो कि कैरागिन नहीं है बल्कि एल्गिन है, और ब्राउन फिर लिखा है मैंने रेड एल्गी, तो रेड एल्गी कैरागिन होती है। तो सिंपल अगर याद रखे इस लाइन को तो ऐसे लगते हैं, रेड एल्गी में आर है तो कैरागिन में भी आर है, तो मतलब अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया तो आर आर मतलब वो डिस्पेक्टिवली बोला है, इसलिए पहले एल्गिन आना चाहिए या और फिर कैरागिन आना चाहिए। फिर यहाँ तो क्वेश्चन में चेंज करें, ऊपर पहले रेड एल्गी बाद में ब्राउन एल्गी पूछा तो ये सही होगा। फिर क्वेश्चन थर्ड, लिविंग टेरिडोफाइट आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर। ना, ये गलत है, वो क्योंकि उसको जियोग्राफिकल एरिया रेस्ट्रिक्ट होता है क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। और क्वेश्चन फोर, वो बिल्कुल सही है, पाइनस कैन नॉट ग्रो विदाउट माइकोहोरिजल एसोसिएशन। हाँ, उसको ग्रो होने के लिए माइकोहोरिजल एसोसिएशन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन फाइव है, उसमें बताना है कि ए और बी कौन से प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मेल गैमेटोफाइट तक का मिल जाएगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनेगा तब मियोसिस होगा, और माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो जो माइक्रोस्पोर है उसका जर्मिनेशन होगा।